तो गाइज, हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट फ्यूचर्स ग्रिड ट्रेडिंग बोर्ड एंड शेयर 20,000 USDT, इसके बारे में मैं बात करूँगा। और इसमें आपका जो भी है, आप फर्स्ट टाइम अगर ये बोर्ड क्रिएट करते हो जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 0 USDT से ज़्यादा हो, तो जाके आपको 10 USDT वो टोकन वाउचर आपको रिसीव होगा ही होगा, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो ज्वाइन द प्रमोशन है इसमें क्लिक करना है। आप इसमें ज्वाइन में क्लिक, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, तो आप रजिस्टर कर लोगे। रजिस्टर करने के बाद आपको फ्यूचर्स ग्रिड ट्रेडिंग बोर्ड जो है इसमें क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ही इसको क्लिक करते हो तो जितना भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग बोर्ड है वो आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे देख सकते हो RDNT USDT परपेचुअल जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 139 USDT, उसको क्रिएट करना है। ऐसे करके क्रिएट कर सकते हो और ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हो, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है या फिर आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें आप देखोगे लॉन्ग है, शॉर्ट है, न्यूट्रल है, ठीक है। और ये जो लिवरेज 20x है, ये न्यूट्रल ये बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 139.78 जो यूएसडी दिखा रहा है। तो हम लोग को इतना ज़्यादा से नहीं करना है, हम लोग को करना है मिनिमम 0.5 USDT से हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को लीडर बोर्ड में जाना पड़ेगा। लीडर बोर्ड में जाते ही आप बिलो $1 का यहाँ पे जो भी है फ्यूचर्स ग्रिड ट्रेडिंग बोर्ड जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी बिलो 0.5 USDT से मैं करके दिखाऊंगा। तो आप नीचे देखोगे ये जो XRP है, ठीक है, फिर LQT है, ये सब आप देखोगे इसका जो इन्वेस्टमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो दिख रहा है। तो XRP जो है वो 0.95 लिया हुआ है, इसको मैं अभी ले लूँगा। यहाँ पे क्लिक करते ही ऐसा आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे यू आर यूजिंग ए शेयर्ड पैरामीटर, तो ये जो पैरामीटर है ये पहले चल चुका है, तो आप लोगों को इसको चेंज करना है। तो लोअर में आपको नीचे ज़्यादा कम देना है, लिवरेज भी आप ले सकते हो, और अपर का भी आपको उस हिसाब से डालना है। तो आप लोगों को एक फॉर एन एग्जांपल में मिनिमम 0.27 USDT या 38 USDT से करके दिखाऊंगा। तो एक लिवरेज प्राइस लेता हूँ यहाँ पे, लोअर प्राइस 0.5060 और इसमें ले लेता हूँ अपर में 0.5500, ठीक है। और ये जो ग्रिड है ये ग्रिड होगा 2, ठीक है, 2 ग्रिड होगा इसमें आप देखोगे। और ये मेरा इन्वेस्टमेंट USDT है 0.52 अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना कम करना पड़ेगा। और अभी यहाँ इसमें देखोगे कि इनिशियल मार्जिन मेरा 0.98 होने से ही मैं इसमें कर सकता हूँ, और मेरा जो अभी है न्यूट्रल। तो अभी मैं क्या करूँगा, लीवरेज ज़्यादा ले लूँगा, तो ये नीचे आओ देखोगे इनिशियल मार्जिन जो है वो 98 से 0.44 आ चुका है। तो ऐसे करके इससे और थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, जैसे 75, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो हाईएस्ट लीवरेज नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता वो लोगों को करना नहीं है। तो इसमें आप ले सकते हो 0.27 जस्ट फॉर, यहाँ पे आप 0.27 से भी करोगे अगर फर्स्ट टाइम करते हो, तो आप लोगों को 10 USDT टोकन वाउचर जो है मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये जैसे 0.28 आ रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो क्वांटिटी ऑर्डर है आपका 10.6 और आप टोटल इन्वेस्टमेंट है 21 USDT उस हिसाब से। अभी आपको क्रिएट न्यूट्रल जो है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करते ही अभी आपको यहाँ पे जो लिवरेज टू हाई दिख रहा है इसमें आपको लिवरेज उतना हाई डालना नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को 75x तक दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों को अभी कॉन्फर्म करना होगा, ठीक है। तो जस्ट आप जैसे कॉन्फर्म करोगे, आप जितना कम लोगों उतना अच्छा होगा। तो कॉन्फर्म करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आई अंडरस्टैंड दैट ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस विल बी मेड सोली बाय द क्लाइंट। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे भी कॉन्फर्म करना है। जैसे कॉन्फर्म करते रहो आप देखोगे ये जो बॉट क्रिएटेड सक्सेसफुली वो हो चुका है, और वो भी 0.27 USDT में आपका एक बॉट क्रिएट हो चुका है। तो आप ये जो बॉट है उसको देखने के लिए आप देखोगे यहाँ पे आपको नीचे आना होगा, ऑल ऑर्डर जो है उसमें जाना होगा। वहाँ पे जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे वर्किंग में रनिंग जो आपका बॉट है वो रनिंग हो रहा है, ठीक है गाइस। ऐसे करके आप कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को दे सको। गाइस थैंक यू।